आज के टिप्स एंड हैक्स हम शुरू करते हैं। कोशिश करूंगी मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन टिप्स मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूं उनमें आपको कुछ भी चीज़ बाहर से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैरी बैग हमेशा हमारे पास होते ही है, तो उसे पूरा अच्छे से कट कर दें चारों तरफ से और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर का आप शेप दे दें। अच्छे से वॉश करके उसे आप यूज़ करने के लिए रेडी कर दें। जब ये अच्छे से रेडी हो जाए तो अपने कोरिएंडर्स को, अपने करी लीव्स को और जो भी आप पत्ते वाली सब्जियां यूज़ करते हैं उन्हें आप इसमें रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से अगर आप रैप करेंगे तो काफ़ी दिनों तक सब्जियां फ्रेश बनी रहेगी। इसी तरह कैरी बैग को यूज़ करके आप दूसरी सब्जियों को भी स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। फिर कोई भी कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख दें। जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के सॉस के पाउचेस उसके साथ आते हैं, तो धीरे धीरे करके ये हमारे पास बहुत सारे जमा हो जाते हैं। इसे बिल्कुल भी फेंकिए मत। जो हमारे पास सॉस की बॉटल्स होती है अगर वो फिनिश हो जाए तो उस टाइम में ये काम आते हैं, लेकिन अब इसे स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। चलिए आज इसे स्टोर करते हैं। इन सारे पाउचेस को स्टोर करने के लिए मैंने एक ग्लास लिया है, उसे कवर कर लिया है सॉक्स की हेल्प से और उसके बाद दोनों तरफ होल करके इस तरह से हैंडल बना लिया है रस्सी की हेल्प से। अब बस सारे पाउचेस को इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से बिना कुछ भी हम खरीदे इन सारे पाउचेस को ऑर्गेनाइज कर दीजिए और अच्छी तरह से कहीं पर वर्टिकली इसे ऑर्गेनाइज कर दीजिए, तो कहीं भी ये आपका किचन में स्पेस नहीं लेगा। मेरे पास ये स्पून होल्डर है, अगर आपके पास भी हो तो इसे भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हैंडल दिया हुआ है तो ये भी स्पेस नहीं लेगा, आप इसे भी हैंग कर सकते हैं। ये एक DIY मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक स्पैचुला को और एक पुराने प्लास्टिक के ग्लास को मैंने टाई किया हुआ है एक रस्सी की हेल्प से, तो ये मैं यूटिलाइज़ करती हूँ पाउचेस वगैरह को रखने के लिए। ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं, रबर बैंड्स या जो निक नेक की चीज़ें होती है वो सब। अक्सर हम ऑयल बॉटल्स या ऑयल की कटोरीज वगैरह को रखने के लिए टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं, लेकिन इतने सारे टिश्यू पेपर अननेसेसरी हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो टिश्यू पेपर के बदले आपके पास कुछ भी पुराने कंटेनर का कवर हो, कैप हो, आप उसको यूटिलाइज़ करिए। इस तरह से पुराने हमारे पड़े हुए कंटेनर के कैप्स भी यूज़ हो जाते हैं और टिश्यू पेपर भी हम बचा पाते हैं। मैं एक और चीज़ यूज़ करती हूँ, वो है ये फ्रिज मैट। तो ये कुछ कटिंग उसकी रखी हुई है, तो मैं इसे इस तरह से रैक के ऊपर लगा देती हूँ तो रैक भी बचा हुआ रहता है, इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगता। कोई लाइनर या मैट वगैरह हम लगा लें रैक के ऊपर तो बॉटल्स के नीचे अगर हम कुछ ना भी रखें तो भी चल जाता है। जब ये मैट गंदा हो जाए तो उसे वॉश करके फिर से इसे यूज़ कर लें। पुराना कोई भी इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स आप ले लें, उसके बाद आप कोई भी अपने ड्रॉअर में इसे इस तरह से लगा दें। बस इस तरह से लगा के ड्रॉअर को आप क्लोज कर दें। इसके बाद आप इसमें लगा दें कोई भी गार्बेज बैग। अब आप कुछ भी कचरे को इसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं। जब ये गार्बेज बैग भर जाए तो इसे सीधा आप डस्टबिन में डाल दें। इस तरह से आपके काउंटर्स भी क्लीन रहेंगे और आपको बार बार डस्टबिन के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये फ्रोज़न फूड के पैकेट भी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ चीज़ों को स्टोर करके फ्रिज में रखने के लिए। यूजुअली हम इस तरह के जिप पाउचेस यूज़ करते हैं, तो इनको ख़रीदने के बजाय हमारे पास जो फ्रोज़न फूड के पैकेट्स हैं उन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ ऐसे मसालों को स्टोर कर रही हूँ जो रेगुलरली यूज़ नहीं आते हैं। चाहे तो आप इसके ऊपर लेबलिंग भी कर सकते हैं या कुछ वेजिटेबल्स को भी स्टोर करके रख दें। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे कि इसमें क्या रखा हुआ है तो आप लेबलिंग जरूर कर दें। बस इसके ऊपर रबर बैंड लगा के फ्रिज में स्टोर कर दें। कभी कभी ऐसा होता है सलाद के लिए जब हम टमाटर को निकालते हैं तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो कट करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो इसके लिए आप पानी में एक चम्मच नमक को मिक्स कर लें।
सॉल्ट को अच्छे से पानी में मिक्स करने के बाद जो सॉफ्ट टमाटर है उन्हें कुछ देर के लिए पानी में इसी तरह से रहने दें। इसे इसी तरह से कुछ देर के लिए यानी कि 5 to 6 मिनट के लिए रहने दें और उसके बाद आप कट करके देखें, जो सॉफ्ट टमाटर है वो हार्ड हो चुके होंगे और बहुत अच्छे से ये कट हो जाएंगे। समर्स में अगर आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें, इससे आपके प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। इसके बदले होममेड फर्टिलाइज़र बनाना पिल फर्टिलाइज़र को आप यूज़ कीजिए। इसे आप क्या कर सकते हैं कि बनाना का जो छिलके होते हैं उसे कुछ दिन के लिए पानी में भिगा के आप रख दें, 3 से 4 दिन काफ़ी होता है। जब आप इसे यूज़ करना चाहें तो उसमें कुछ फंगीसाइड को मिला लीजिए अच्छे से। मैं यहाँ पर साफ फंगीसाइड को मिला रही हूँ। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके आधा आधा मग्गा हर गमले में आप डाल दें। इस तरह से आपके जो प्लांट्स हैं वो फ्रेश भी बने रहेंगे और इनमें ठंडाई भी बनी रहेगी। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।